जल जा। हेलो भाई, मेरा नाम समय। तो भाई साहब, ये रही माचिस बॉक्स, कैसी क्या खामियां है भाई? सील जाती है, खराब हो जाती है। तो भाई आपके घर, तो भाई अगर आप घूमने जाते हो, ट्रेन पर जाते हो या आवारी करते करने जाते हो, आपको आग की जरूरत तो पड़ेगी, माचिस वापस काम नहीं आएगी। तो भाई में ऐसा ऑटोमेटिक लाइटर बनाने वाले, आपने सिर्फ आज तक फिल्मों में देखा होगा, ऑटोमेटिक चालू ऑटोमेटिक बंद। ठीक है, मैंने कहा काफी मजा आना, बिल्कुल नया टॉपिक है, सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। पहले 10 मिनट कंप्लीट वॉच कीजिएगा, चलेगा, चलते हैं अपने टॉपिक पर। चलिए समर एक्सपेरिमेंट। कैसे हो लोंडो? तो गाइस, हम मैंने 1 इंच का पीसे का पाइप ले लिया है, टाइम हमारे पास ज्यादा नहीं है, तो हम 6 सेंटीमीटर का पीस कट करेंगे इसमें से। तो भाई साहब, अब इसके साथ थोड़ा सा नया ऑपरेशन करेंगे। तो गाइस, इसका ढक्कन मैंने कट कर लिया है और इस तरीके से, लेकिन भाई इस ढक्कन को हम बाद में लगाएंगे, पहला तो गाइस इसकी फिटिंग पर। तो गाइस लेते हैं एक पीसीबी, जो आप देख सकते हो बिल्कुल खाली नवा पीसीबी मैंने थोड़ा सा तोड़ दिया है। और गाइस अब यहाँ पे ले रहा हूँ हीटर रोड, और भैया इसमें देखिए काफी सारा माल पानी पड़ा है, 2 TV रोड है इसके अंदर, टोटल गाइस 9 क्रोवायर है। कोई भी एक ले लेंगे, ये तो भाई बहुत ही लाइट है ना, गड़बड़ करेगी, तो इसे तो हम नहीं लेंगे, जल्दी टूट जाएगा। तो गाइस ये है 400 वाट की हीटर रोड, फटाफट इसमें से निकालता हूँ। यार बड़ी दिक्कत है, मैं चाह रहा हूँ भाई कटे ना, टूटे ना, और ये हाथ में भी लग सकता है जो ग्लास है। चलो थोड़ा सा लेना है तो वैसे भी। तो भैया यहाँ ले रहा हूँ एक कील, इस पे लपेटना स्टार्ट करेंगे, निकाल लो आराम से। भैया यार बड़ी दिक्कत है, लीजिए भाई। अब गाइस यहाँ पे लेंगे पीसीबी, और भैया इसे कट करेंगे 1 सेंटीमीटर। क्या सीधा कटा है? अब ये रहा गाइस हमारा नाइक्रोम वायर जो कि हमने बनाया था, और भाई साहब इसे इसमें लगा लो इस तरीके से, थोड़ा सा ही ऊपर को निकल रहा है। अब गाइस नाइक्रोम वायर मैंने इस पे अच्छे से लगा दिया है, और भाई ये इस पे से निकलेगा नहीं। तो भाई ये तो हो गया है भाई कंप्लीट, अब आते हैं इसकी बैटरी पर। तो गाइस यहाँ पर आप 2 तरह की बैटरी देख सकते हो, ये दोनों सेम है, बस इसे मैंने थोड़ा नंगा कर दिया, इसका जो रैपर हटा दिया है, और ये नहीं है, नहीं तो ये भी थी लेकिन अब ये नहीं रही, और भाई ये दोनों बिल्कुल सेम है। यहाँ पे जो BMS लगा होता है वो मैंने इसका निकाल दिया है, क्यों गाइस हम अलग से इसमें मॉड्यूल लगाने वाले हैं। और गाइस इसमें इजी आ भी जाएगी यार, मतलब इतनी जरा सी चीज में क्या क्या भरना यार, अभी मतलब बहुत ही झंझट बाजी है भाई। पहले आते हैं इसके चार्ज मॉड्यूल पर। तो गाइस सिंपल सी बात है, कम जगह है तो भाई यहाँ पर छोटा ही चार्ज मॉड्यूल लगाना पड़ेगा। तो गाइस फटाफट से लगाते हैं। तो गाइस मैंने बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर ग्लूगन लगाई है कि गाइस अगर कैप भी ना लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और हमारा जो चार्ज मॉड्यूल वो भी फिक्स हो चुका और बैटरी फिक्स हो चुकी। हाँ, मैंने तो पहली वायर निकाल लिए थे, अब आते हैं इसके स्विच पर, और भाई साहब इसकी तो आपको पता ही है कि भाई हम इसे फटाफट करते हैं। और भाई स्विच कौन सा लगाएंगे? तो गाइस ये रहे स्विच, और भाई छोटा स्विच लगाना पड़ेगा, लगा तो कोई भी सकते हो, वैसे छोटा लग जाए तो बेस्ट है। जैसे गाइस ये रहे माइक्रो स्विच, ठीक है इसे भी लगा सकते हो, और इसमें काफी तरह के मेरे पास, ये रहे चोंच काफी लंबी है, खाते पीते कुछ नहीं है, और भाई अलग अलग टाइप के। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कुछ नया करें, तो भाई आज हम लगाएंगे इसमें लिमिट स्विच। तो गाइस हमें इसमें ढक्कन भी लगाना है, ये लिमिट स्विच है, इसे ले लेते हैं। गाइस इस लिमिट स्विच को मैं थोड़ा अलग टाइप से लगाने वाला हूँ, यहाँ पर अगर मैं पुश करूंगा तो गाइस ये काम नहीं करेगा, खोल दूंगा तो काम करेगा। वैसे गाइस आमतौर पर लगाते हैं कि बटन पुश करते हैं, ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम थोड़ा उल्टा कनेक्शन करेंगे। तो गाइस कनेक्शन देख सकते हो, 3 यहाँ पर पिन है, दोनों आउट वाली पिन जो मैंने कनेक्शन की है, एक तो डायरेक्ट बैटरी का सीधा नाइक्रोम वायर पर लग गया, दूसरा नाइक्रोम वायर का सीधा स्विच में, और गाइस बैट में, ठीक है। अगर आप ये वाला वायर इस पर लगाते तो गाइस ये बटन पुश करने पर काम करता है, लेकिन अब छोड़ने पर काम करेगा। देखिए मैं छोड़ रहा हूँ, देखिए हो गया लाल, फिर दबा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, देखिए देखिए हो गया लाल, बस यही तो खेल है बचुआ। तो भाई इसको थोड़ा सा मैं दबा कर रखना पड़ेगा, क्योंकि गाइस अभी भी ढक्कन भी लगाना मेन मुद्दा, तो गाइस अब आता है जो गाइस काफी हार्ड वर्क है। तो भाई इसे लगाते हैं फटाफट। तो ले गाइस ये हो चुका है लगभग कंप्लीट, अब हमें इसका से कैप लगाना है, और भाई कैप थोड़ा अलग टाइप से लगाना है। अभी मैंने इसके ऊपर टेप लगा रखी है, टेप हटते ही ये स्विच काम करने लगेगा, और गाइस यहाँ पर ही नाइक्रोम वायर जल जाएगा। तो भैया ये रहा इसका कैप, कैप भी बिल्कुल इसके साइज का बनाया है। भैया हमें इसमें थोड़ा सा एक हिंज टाइप का बनाना है, कब्जा टाइप का, जिससे गाइस इस तरीके से खुल सके, खुलने पर कैसा मैकेनिज्म होगा सब आपको पता लग जाएगी। फिलहाल तो गाइस हमें एक छोटा सा हिंज बनाना है, तो गाइस यकीन मानिए बहुत छोटा एक हिंज बनेगा, जो कि गाइस काफी मेहनत लगेगी उसमें। तो भाई मैंने ली है एक 3 कनस्ता जो होता है ऑयल वाला वाला कंटेनर, उसकी मैंने शीट लिए, पत्ते लिए, ये ज्यादा हैवी नहीं, तो ज्यादा इसके हिसाब से हल्की भी नहीं है। तो गाइस अब आप देखते रहो मैं क्या क्या करता हूं।
कपड़े चेंज। तो भाई साहब यहाँ पर जो हमने बनाया है ये हिंज कब्जा, यहाँ पर भैया ढक्कन को लगाएंगे, इसे किस तरीके से लगाएंगे वो तो खैर आपको पता लगी जाएगी। तो गाइस इस हिंज को जहाँ पर स्विच है उस साइड लगाएंगे, गाइस अगर यहाँ लगाएंगे तो थोड़ा खुलने पर गाइस ये स्विच ऑन हो जाएगा, जो गाइस होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो भाई हम इस साइड लगाएंगे। तो लीजिए गाइस यहाँ पर हिंज लग गया है और भाई ये काफी मस्त काम कर रहा है, देख सकते हैं इस तरीके से भाई ये लग भी जाएगा, ओपन भी जाएगा और ये स्क्रू से काफी अच्छी तरीके से पकड़ कर रखेंगे हिंज को और भाई ये काफी मजबूत है, मैंने इस पर सोल्ड भी कर रखी है। तो भाई हिंज खुलेगा भी आसानी से और काफी अच्छे छोटा सा देखिए हाथ में आप इसे ऐसे आराम से छुपा सकते हो। अब आते गाइस ये बंद कैसे होगा, मतलब ये ऑटोमेटिक खटाक बंद कैसे होगा। तो गाइस यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ काफी पावरफुल मैग्नेट, जो की न्यूडियम मैग्नेट है, छोटी छोटी मैग्नेट हम यूज करेंगे जिससे गाइस आराम से इसके अंदर आ जाए, जाके काफी कम है। तो भाई हम चाहे तो ये वाली यूज कर सकते हैं जो कि रेक्टेंगल में है। अरे बाप रे देखो कितने दूर से आगे भाई ना, मतलब काफी पावरफुल होती है। चाहो तो हम छोटी छोटी ये वाली दो भी यूज कर सकते हैं जिससे गाइस ये ऑटोमेटिक एकदम से लग जाए, जो भी ठीक लगे जो भी फिट है फटाफट ऐसे लगा देते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने काफी सिंपल मैकेनिज्म का यूज किया है, एक मैगनेट यहाँ चिपकाई है और भाई ग्लू गन से भी चिपकाई, प्लस यहाँ पर मैंने इंस्टेंट ग्लू ही मारी है, ठीक है सेम इधर यानी कि सेम ही। और भाई देखिए करता हूँ छुटाने, देखिए नहीं छुटेगा भाई साहब ऐसे, थोड़ा आपको जाल लगानी पड़ेगी देखिए इस तरीके से, ठीक। अब आते हैं भाई साहब इसके स्विच पर। तो भाई स्विच को ऐसा काटते हैं और ये थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे बस, जिससे गाइस ये इसके साथ ही बंद हो जाए। तो भाई पहले बटन को दबाए रखेंगे और यहाँ से काटेंगे टेप, जो कि मैंने टेप लगाई थी, इधर से भी काट देंगे, थोड़ा ध्यान से काटना पड़ेगा वरना गाइस ये तुरंत चालू हो जाएगा। भैया ठंड इतनी पड़ रही है, हाथ ही नहीं कांप रहे मेरे, सब कुछ कांप रहा है। वो भैया छोड़ के देखते हैं। अरे भाई साहब मस्त, बेफिक्र गाइस ये छूटेगा नहीं कुछ भी, क्योंकि गाइस ये काफी ऊपर नाइक करवाया और अगर हल्का फुल्का हो तो यहाँ से होगा, ये नीचे तक लग रही है, कहीं नहीं जाने वाली है, बेफिक्र रहिए। ये पत्ती हमें थोड़ी सी टेढ़ी करनी है, देखते हैं इतना हो जाए काम, तो देख रहे हो और ये रहा हो गया, बंद कर देते हैं बस। तो गाइस ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है भाई साहब, बिल्कुल नया मैकेनिज्म है, काफी मेहनत लगी। तो गाइस इसी बात पे वीडियो को फटाफट लाइक करें, मैं फटाफट इसकी टेस्टिंग करता हूँ, फिर इस पर कलर करता हूँ धांसू सा। गाइस अभी आपके सामने बंद है, बोलता देखिए आवाज एक कट जैसी, हाँ आ गई देखिए चालू और भाई साहब बंद। जो इसका कैप है बहुत मजबूती से लगा हुआ है, निकलेगा नहीं छूटेगा भी नहीं, आप सोचो कभी जेब में रह जाए तो छूटेगा नहीं छूटेगा, स्विच भी काफी मस्त काम कर रहा है, कट एकदम आवाज आती है और भाई इसे बंद करते हैं बस। अगर इस फटाफट इस पे करते हैं कलर। तो लीजिए गाइस हमारा लाइटर बनकर कंप्लीट हो गया है और भाई साहब बिल्कुल भी जुगाड़ से नहीं लग रहा और आप कहीं से भी देख सकते हो। अब भाई साहब देखिए भाई क्या मस्त लग रहा है। और गाइस इसका चार्जिंग सॉकेट है और ये इसका हिंज है जो गाइस काफी मजबूत है, आसानी से भाई नहीं निकलेगा। तो गाइस ये रहा चार्जर का पिन जो की टाइप सी है, इसमें टाइप सी मॉड्यूल लग रहा है, ठीक। और भाई देखिए आई थिंक गाइस आपको एलईडी की चार्ज इंडिकेटर दिख रहा होगा जो रेड कलर का है, और जब ये फुल चार्ज होगी बैटरी तो गाइस ये ब्लू कलर का हो जाएगा। तो भाई इसे निकालते हैं। तो चले गाइस अब फ्लावर्स की टेस्टिंग करते हैं। तो गाइस ये रहा अखबार, पहली बार कम्युनी को लोगों ने दी चुनो है, मैं बंगाली बोल रहा हूँ। आई थिंक गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज दोस्तों इसे गलत इस्तेमाल ना करें, गलत बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, किसी भी चीज का आप गलत यूज कर सकते हो सही यूज कर सकते हो। बेरी सिगरेट बिगड़ भाई इनसे नहीं पीनी चाहिए, इनसे पीनी ही नहीं चाहिए, उनके बजाय गाइस मैं फल फ्रूट खा लेता हूँ तो भाई हेल्थी भी रहता हूँ। आप मेरी बॉडी छोड़ी देख सकते हो, इधर को दिखाई फोकस करो फोकस, हाँ देखो यार देख रहा बॉडी, अरे बॉडी की तो कमी नहीं है गाइस, ये फल फ्रूट की बॉडी है। नशा पत्ता छोड़ दो, नशे वाले हो, तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ तुमसे ने करा भाई, जो तुम्हारे आसपास बैठे जो देख रहे होंगे। खैर गाइस बहुत सारा ज्ञान पेल दिया और भाई अभी से चेक करते हैं। तो भाई देख सकते हो ये भाई साहब ऐसा खुलेगा, देगा है भाई साहब क्या मस्त, देखिए चल रहा है, देखिए देख रहे हो, बंद कर दो भाई देखिए मस्त, अरे बहुत मस्त चीज है भाई, बहुत बेहतरीन चीज है, देखिए लगा दिया बड़े करके, ठीक है एक बार फिर देखते हैं। इसके अंदर गाइस बैटरी बहुत अच्छी है जो कि गाइस काफी चलेगी एक बार चार्ज करने पर, ठीक है देखिए ज्यादा जल्दी नहीं चल रहा है, यानी गाइस बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट है देखिए, और बंद भाई मैग्नेट बहुत अच्छी है, न्यू मैग्नेट है तो गाइस जेब में से आसानी से खुलेगा नहीं। फिर भी गाइस आपको एक तरीका बता रहा हूँ, जो जुगाड़ी है आप कोई रबड़ बैंड लगा सकते हो इस तरीके से, वरना गाइस मैं लॉक भी लगा सकता था लेकिन काफी सारे प्रोसेस होते हैं और चीज होते हैं गाइस वो परेशानी भी करती है। गाइस मैंने आज तक ना करवाया से मोमबत्ती जला के नहीं देखी कभी, देखते हैं चला के भाई चल जाए तो स्टाइल में खोलना, देखिए देखा भाई स्टाइल देखिए आए है, अरे वाह अरे वाह अरे भाई साहब देखिए जल गई, एक बार फिर ट्राई करते हैं, अरे भाई एकदम से तुरंत गाइस ये तो तुरंत काम कर रही है भाई, मजा ही आ गया, मतलब मोमबत्ती पे जलाया जा सकती है, तो मतलब आप इससे
बुज्जा। तो मतलब गाइस आप इससे कुछ भी जला सकते हो, अगर आप घूमने जाते हो, ट्रेवलिंग करने जाते हो, कहीं भी जाते हो, आप इसे छोटे से रिचार्जेबल लाइटर को लेकर चला जाइए। जो गैस वाला होता है गाइस वो धोखा दे जाता है, लेकिन गाइस ये काफी आपका लंबा चलेगा। इसमें स्विच काफी मजबूत, काफी अच्छा 3 एम्पीयर तक का लोड उठा सकता है। तो गाइस स्विच कहीं नहीं जाने वाला भाई, स्विच कहीं इसका खराब नहीं होगा आसानी से, और गाइस ये भी खराब नहीं होगा। तो गाइस आई होप ये जुगाड़ काफी मस्त रहा, कुछ नई चीज है यार। तो प्लीज दोस्तों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और भाई कमेंट करके जरूर बताएं आप अगर इसे बनाओगे तो गाइस किसकी यूज में आप इसे लोगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।